प्रयोग स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने कार्यक्रमों के लिए किया, अपने उद्देश्य को अंजाम देने के लिए किया, और रेलवे ने उसमें काफ़ी बड़ी भागीदारी निभाई है। इसी लिए हमने आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन नामक कार्यक्रम किया था, जो कि एक हफ्ते का कार्यक्रम था, जो साउथ सेंट्रल रेलवे के 4 स्टेशनों पर किया गया और भारतीय रेल के 75 स्टेशनों पर किया गया था। इस कार्यक्रम में हमने कई तरह के एक्टिविटीज़ की थी, जैसे नाटक, देशभक्ति के गाने, देशभक्ति के डांस, और पेंटिंग कंपटीशन किया था, जो हमारे स्टेशनों जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में हमने एक आर्ट गैलरी बनाई थी, जिससे कि लोग आएँ, देखें और उनके बारे में जान सकें। RPF के बैंड का भी प्रदर्शन किया गया था, उसमें काफ़ी लोगों ने भाग लिया, लोग आए और लोगों ने हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जो था उसकी जानकारी ली। इसी क्रम में हमारी जो ट्रेन है तेलंगाना एक्सप्रेस, उसको यहाँ के 3 स्वतंत्रता सेनानियों ने हरी झंडी दिखा करके उसको रवाना किया था एक दिन। इसी क्रम में आज यहाँ पर मोटर बाइक रैली यहाँ से प्रारंभ की गई है, जो कि दिल्ली पहुँचेगी, 11 दिन में पहुँचेगी, 11 अगस्त को पहुँचेगी, और इसमें 5 जोनल रेलवेज के बाइकर्स ने भाग लिया है। इसमें ईस्ट कोस्ट रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे, सदर्न रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे। इसमें 20 मोटर बाइक्स हैं और 40 बाइकर्स हैं, मतलब एक मोटरसाइकिल पर 2 रहेंगे, और ये 1700 किलोमीटर की यात्रा करके 11 अगस्त को दिल्ली में पहुँचेंगे, जहाँ माननीय रेल मंत्री जी इनको रिसीव करेंगे। आप जानते हैं कि देश अपनी आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा है, इसको हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। रेलगाड़ी और स्वतंत्रता आंदोलन का बहुत गहरा संबंध रहा है। माय कॉर्डियल वेलकम टू DRM सिकंदराबाद श्री अभय कुमार गुप्ता, DRM हैदराबाद श्री चंद्रयन ब्रांच ऑफिसर्स, द स्टीम गेस्ट फ्रॉम मीडिया एंड ऑल द रैंक्स ऑफ पुलिस, टू ऑल द RPF बाइक राइडर्स। रेलवे इज ए विटनेस ऑफ द एंटायर फ्रीडम स्ट्रगल एंड रेलवे इज प्राउड ऑफ दैट। वी आर सेलिब्रेटिंग 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड एज ए आजादी का अमृत महोत्सव। इन दिस सीरीज रेलवेज हैव ऑर्गेनाइज्ड द प्रोग्राम ऑफ आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम, ए वीक लॉन्ग प्रोग्राम, लॉट ऑफ प्रोग्राम्स वर ऑर्गेनाइज्ड एट आइडेंटिफाइड 4 स्टेशन ऑफ साउथर्न रेलवे एंड 75 रेलवे स्टेशन ऑफ इंडियन रेलवे। इन दोज प्रोग्राम्स ऑल्सो RPF हैड प्लेड वेरी वाइटल रोल। दे डिस्प्लेड द बैंड विच अट्रैक्टेड द लोकल पब्लिक सिटीजन्स and which helped railway in spreading the awareness of freedom. Through Azadi Ka Amrit Mahotsav, India is celebrating the glorious history of its people, culture and achievements. It is an embodiment of all that is progressive about India's socio-cultural, political and economic identity. The official journey of Azadi Ka Amrit Mahotsav was started on 12th March 2021 from Sabarmati Ashram, Sri Narendra Modi. When he flagged off his Trivandrum, he started the motorcycle rally of 10 bullet riders, including 2 women RPF motorcycle riders on 20 bullet motorcycles from the 5 zones. They start their 1700 kilometers long journey today. Thank you.
शुभकामना संदेश भाई our TRM sir Hyderabad division Sri Sharat and various settlements of Warfare on track mounted with the heavy. Warfare South Central Railway has performed a great screen in the game. Warfare is the house of the Union. Har gaadi, har station par Suraksha bal, rail suraksha bal, rail suraksha bal, rail suraksha bal. यात्रीगण की रक्षा में है सक्षम और कुशल रेल सुरक्षा बल रेल सुरक्षा बल रेल सुरक्षा बल रेल सुरक्षा बल ASI GS Ashok with PL Rider श्री अरुण कुमार जैन IG एवं PCSC श्री राजा राम मुख्यालय से पधारे हुए सभी विभागाध्यक्ष मेरे साथी DRM श्री शरद चंद्रायन DRM हैदराबाद RPF के सभी अधिकारी एवं फोर्स के सभी लोग मेरे साथी अधिकारीगण बाइक रैली में चार डिफरेंट रेलवे से आए हुए जो हमारे RPF के साथी एवं प्रेस एवं मीडिया के लोगों को सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज इस जो बाइक मोटर बाइक रैली का जो फ्लैगिंग ऑफ यहां पर होना है उसके कार्यक्रम में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये बाइक रैली ऑल इंडिया रेलवे लेवल पे ऑर्गेनाइज हो रही है, सभी जोन्स में इसका ऑर्गेनाइज किया गया है और साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि सदर्न रेलवे में के जो हमारे जोन्स हैं उन पांच जोन्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे को चुना गया और दक्षिण मध्य रेलवे को ये मौका दिया गया कि इस रैली को आयोजित करे, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं IG साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस रैली को होस्ट करने के लिए सिकंदराबाद मंडल को चुना और हमको ये मौका दिया आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। Now the riders of South Western Railways are Constable J.P. Yadav, Victorian rider Constable Pawan Kumar Mani. Constable Sati Mishra, Victorian rider Dinesh Kumar. Constable Vikas, Victorian rider Pradeep Kumar. Constable Sagar Pandey with Constable Manindra Singh. Now the riders of the hosting team, South Central Railway team, are Constable Manoj Kumar with PL rider R.K. Kasana. Constable P. Mahendra with PM rider Constable Prakash Saini. Constable C.H. Naveen with PM rider Constable S. Shant.
Constable Sunny with PM Rider Constable Ankit Balyan.